जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको महिला अग्निवीर आर्मी की जानकारी देंगे। जितनी भी लड़कियां हैं जिन्होंने अग्निवीर आर्मी में फॉर्म डाला हुआ है, एग्जाम पास किया हुआ है, फिजिकल डेट नहीं पता है, इस वीडियो में बताऊंगा मैं। आप सबको बता दूं, सभी लड़कियों का फिजिकल डेट चेंज की गई है, जो पहले थी उसको अब चेंज कर दिया गया है, नई डेट आई है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ में इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि रैली में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है और आपका फिजिकल में क्या क्या होगा, दौड़ कितनी होगी, आप सबकी चेस्ट भी होगी वो भी आपको बताऊंगा, हाइट बताऊंगा, वेट कितना चाहिए, आप सबकी दौड़ कितनी होगी, हाई जंप लॉन्ग जंप कितना होगा, ये सब कुछ इसी वीडियो में बताऊंगा। और साथ में डॉक्यूमेंट के बारे में भी बताऊंगा, लगभग 12 से 13 डॉक्यूमेंट है जो आपको रैली में लेके जाना है। अगर आपका भी फिजिकल आने वाला है, आपका भी एग्जाम पास हुआ है, फिजिकल की तैयारी कर रहे हो तो देख लो। और सबसे पहले हम आपको रैली डेट बताएंगे सभी राज्यों की, ठीक है, ध्यान से सुनना अपने राज्य की रैली डेट, ठीक है, आपको अभी मैं बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से सुनना जितनी भी लड़कियां हैं। सबसे पहले मैं आप सभी लड़कियों को बता दूं, YouTube पे एकमात्र YouTube चैनल है आर्मी दोस्त, जो सबसे पहले जानकारी देता है और लड़कियों के लिए स्पेशल वीडियो भी बनाता है। देख लो, YouTube पे सर्च करके देख लो, कोई ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी आपके लिए जो स्पेशल वीडियो बनाए, सिर्फ आर्मी दोस्त भाई बनाता है। सभी लड़कियों ने अपने भाई को सब्सक्राइब करना है जिन्होंने नहीं किया है, और पहले वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। सभी लड़कियों को मैं टारगेट रखता हूं आप सबके सामने 2000 लाइक का, अगर आप कर देते हो, ठीक है, 2000 लाइक, तो अगली वीडियो में मैं आपको फुल मेडिकल वीडियो दूंगा कि लड़कियों का मेडिकल किस प्रकार होगा। अगर उस पर वीडियो चाहिए, इस वीडियो पे 2000 लाइक कर देना, ठीक है, सभी को समझ आ गई है। चलो फिजिकल बताते हैं, राज्य वाइज जोन वाइज फिजिकल बताऊंगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये जो शेड्यूल लगाया है, ये नया शेड्यूल है जिसमें लड़कियों की डेट चेंज हुई है, नई जो डेट आई है वो बता रहा हूं, ठीक है, लड़कियों की। सबसे पहले जो लड़कियों की मैं बता रहा हूं, अंबाला जोन में जो लड़कियां आती हैं, सबसे पहले बता दूं अंबाला जोन में जो लड़कियां आती हैं इनकी जो दौड़ है, आप सब देखिए, ये रहा अंबाला जोन, ठीक है, आप सबकी भर्ती होगी 1 से लेकर 12 नवंबर 2023 को लड़कियों की जोन होगी। अंबाला में कौन कौन जाएगा, ध्यान से सुनना, ऑल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, सभी जिले हरियाणा के, हिमाचल प्रदेश के सभी जिले, और आप सबके दिल्ली के, अगर आप इन राज्यों से हो जो अभी डेट बताई है वो आपकी है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, अभी मैं आपको इन लड़कियों को, आपने डेट देख ली, अभी मैं आपको जो भी बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने हैं और आप सबकी फिजिकल में दौड़ कितनी होगी, हाई जंप, चेस्ट, वेट, सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु में जो लड़कियां हैं इनकी जो भर्ती है जे 19 से लेकर 21 दिसंबर 2023 को होगी। इसमें ऑल जोन मतलब कि पूरा कर्नाटका, जितने भी जिले हैं कर्नाटका के, सभी इनकी भर्ती होगी आपकी, जो अभी डेट मैंने बताई है। आगे बात करते हैं दोस्तों आप सबकी चेन्नई की, ठीक है, जिसका जोन चेन्नई में आता है, चेन्नई की लड़कियों की देखिए आपकी जो भर्ती है जे 4 से लेकर 13 जनवरी 2024 को होगी, जिसमें ऑल डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, अंडमान निकोबार, ठीक है, और पंडुचेरी, ठीक है, इन राज्यों से अगर आप आते हो तो आपकी ये रैली डेट है, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों दानापुर, ठीक है, इसमें ये जो रैली होगी दानापुर में कौन कौन जाएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं दानापुर की जो रैली है ये होगी 23 से लेकर 24 नवंबर 2023 को, ये भर्ती होगी दानापुर आल जोन डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि आल डिस्ट्रिक्ट जोन, मतलब कि ये आप सबका बिहार और झारखंड, आल जिला झारखंड का, सभी जिले झारखंड के और बिहार के, इनकी भर्ती ये है, अगर आप इन राज्यों से आते हो तो आपकी ये डेट है, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों जिसमें जबलपुर की लड़कियों की ये जो भर्ती है ये 2 दिसंबर 2023 को है, जिसमें पूरा छत्तीसगढ़ और पूरा मध्य प्रदेश की लड़कियों की दौड़ होगी 2 दिसंबर को, ठीक है। और आगे बात करते हैं दोस्तों जयपुर राजस्थान की जो भर्ती है लड़कियों की 10 से लेकर 13 जनवरी 2024 को भर्ती होगी, ऑल राजस्थान, पूरा राजस्थान की भर्ती, ठीक है, डेट मैंने बता दी है, ध्यान से सुनो, जय राजस्थान की डेट थी, ऑल राजस्थान के सभी जिले। उसके बाद जलंधर में लड़कियों की जो भर्ती है जलंधर में 18 से लेकर 23 दिसंबर 2023 को, जिसमें पूरा जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब के राज्यों की लड़कियां, पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख पूरा और पंजाब, इनकी भर्ती है 18 से 23 दिसंबर 2024 को। और उसके बाद दोस्तों कलकत्ता में जिसमें उड़ीसा, वेस्ट बंगाल की पूरा उड़ीसा, इनकी जो भर्ती है जे 4 दिसंबर 2023 को होगी, ऑफिशियली डेट है जे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों
उसके बाद लखनऊ में, जिसमें लखनऊ में पूरा उत्तर प्रदेश की लड़कियां और पूरा उत्तराखंड, ठीक है, इनकी जो भर्ती है ये सबसे पहले होने वाली है 1 से लेकर 5 अक्टूबर 2023 को, पूरा उत्तराखंड, पूरा उत्तर प्रदेश की लड़कियां, ठीक है, डेट समझ आ रही है आपको। उसके बाद दोस्तों पुणे, जिसमें पुणे में जो लड़कियों की भर्ती है वो मैं आपको बता दूं, आपकी भर्ती है 20 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर 2023 को, इसमें पूरा पूरा दोस्तों गुजरात, गोवा और आप सबका महाराष्ट्र, अगर आप इन राज्यों से आते हो तो आपकी ये डेट है लड़कियों की 20 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर को, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों नरंगी, मतलब कि एनई स्टेट, नरंगी में जो भर्ती है लड़कियों की वो मैं आपको बता दूं, आप सबकी 19 से लेके 22 दिसंबर 2023 को ऑल एनई स्टेट, आपको पता ही है कि एनई स्टेट में कौन से राज्य आते हैं, आप सबको पता ही होगा, दिल्ली की मैंने बता दी है। जे रही लड़कियों की रैली डेट, ठीक है, जे नई रैली डेट है, इसमें कुछ कुछ बदलाव हुए हैं तो अभी मैं आपको बताता हूं फिजिकल में क्या क्या होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट भी बताऊंगा, ठीक है। जे रहा नोटिफिकेशन, ठीक है, फिजिकल वाला, सबसे पहले हाइट आपको बता देता हूं, जो आपकी हाइट होनी चाहिए, हाइट सभी लड़कियों को बता दूं, आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 162 सेंटीमीटर, आपकी हाइट होनी चाहिए। और आप सबको बता दूं जो आपका वेट होना चाहिए वो आपकी हाइट और एज को देखकर जब आपका मेडिकल होगा तब देखा जाएगा, मतलब कि ग्राउंड में भी आपका होगा, मतलब कि आपकी हाइट देखी जाएगी और एज देखी जाएगी, फिर आपका वेट लिया जाएगा। इसमें भी काफी लड़कियां बाहर होती हैं, अगर आपको अपने वेट को लेकर कोई भी डाउट है, मैं लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में दोस्तों टेलीग्राम का, उधर जुड़ जाना, उधर मैं लड़कियों की जो हाइट और एज का वेट को लेकर लिस्ट है वो मैं सेंड कर दूंगा। आपकी चेस्ट भी होगी मेजरमेंट, ठीक है, चेस्ट में सिर्फ आपको 5 का फुलाव ऐसे करना है, आपको वो फीता लगाएंगे, आपको ऐसे करना, ऐसे 5 का फुलाव होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए लड़कियों का, ठीक है, जो होगा फिजिकल, ठीक है। उसके बाद दौड़ क्या होगी वो मैं आपको अभी बताता हूं, ठीक है, दौड़ कितनी होगी, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाना है अभी बताऊंगा, ठीक है, तो मैं आपको अभी बताता हूं दौड़ कितनी होगी। दौड़ देख लो, आपकी जो दौड़ होगी 1600 दौड़ होगी लड़कियों की, पहला जो ग्रुप पास होगा उसको टाइम दिया जाएगा 7 मिनट और 30 सेकेंड, इसके अंदर आपको फर्स्ट ग्रुप में रखा जाएगा, 8 मिनट के अंदर अगर आप आते हो, 8 मिनट से पहले पहले आते हो तो आपको सेकंड ग्रुप में रखा जाएगा, जिसके आपको मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। और आपको 10 फीट का लॉन्ग जंप भी लगाना है और आपको 3 फीट का हाई जंप भी लगाना है। दौड़ का पता चला, फिर से बता रहा हूं, अगर फर्स्ट ग्रुप में दौड़ पास करते हो जिसके आपको नंबर भी दिए जाएंगे वो होंगे 7 मिनट, मतलब कि 7.5 मिनट में ही आपको पहले ग्रुप में रखा जाएगा, अगर इसके अंदर दौड़ पास करते हो, अगर आप 8 मिनट से पहले करते हो तो आपको सेकंड ग्रुप में रखा जाएगा जिससे आपको नंबर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट की, कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है, अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है लड़कियों का वो फिजिकल वाला एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास, उसके 2-3 प्रिंट निकाल लेना, और उसके बाद फोटो होने चाहिए 20 पासपोर्ट साइज में छोटे फोटो, और 3 महीने पुराने नहीं होने चाहिए, नए फोटो खिंचा लो, ठीक है। और इन्होंने 20 कहा है, आप 30 लेके जाना, क्योंकि उधर एक आधा फोटो खराब हो गया, अगर 20 ही लेके गए तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, 30 लेके जाना। उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट, जिसमें 10th क्लास की मार्कशीट आती है, 10th क्लास का डिप्लोमा आता है, 12th क्लास का, ठीक है, ये वाले ओरिजिनल लेके जाना है, ये सभी डॉक्यूमेंट। उसके बाद डोमेसाइल आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल, और उसकी फोटोकॉपी भी बना लेना। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद रिलीजन सर्टिफिकेट, उसके बाद स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट, जो स्कूल से मिलेगा जहां से आपने 10th 12th की है। उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट, जो आपकी तहसील से बनेगा और 6 महीना पुराना नहीं होना चाहिए, जो आपकी तहसील है, सरपंच है, तहसील का भी बनेगा और सरपंच का भी बनेगा, दो होंगे। अनमैरिड सर्टिफिकेट, जिसमें सरपंच का भी होगा और तहसीलदार का भी होगा, ये भी 6 महीना पुराना नहीं होना चाहिए। अगर रिलेशन का सर्टिफिकेट है, पिता आपका अगर आर्मी में है तो लेके जाइए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद अगर एनसीसी है तो लेके जाइए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। बाकी जो रिलेशन और एनसीसी और स्पोर्ट्स कोटा सर्टिफिकेट, अगर ये 3 नहीं है तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा। और बाकी जो मैंने आपको बताए हैं, अनमैरिड, स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट, डोमेसाइल वगैरह, और उसके बाद लास्ट में एफिडाट भी आपके पास होना चाहिए, एफिडाट भी चाहिए, ठीक है। ये 3 छोड़कर डॉक्यूमेंट, जैसे कि रिलेशन, एनसीसी और स्पोर्ट्स को छोड़कर बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने बताए वो होने चाहिए, और भी है, जिसमें पैन कार्ड और आपका आधार कार्ड होना चाहिए, ये भी होने चाहिए। अगर आपने टैटू बनवाया है उसका सर्टिफिकेट बना के लेके जाना है, ठीक है। देखिए यहां पर पुलिस का करैक्टर भी बोला है, पुलिस का
पुलिस का करेक्टर सर्टिफिकेट भी बोला है, वो भी बना लेना, जे डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, ठीक है, सभी लड़कियों को, समझ आ गई होगी वीडियो, जे डॉक्यूमेंट फिजिकल में क्या क्या होगा वो भी बता दिया है, रैली डेट कब है वो भी बता दिया। अगर मेडिकल पे वीडियो चाहिए तो वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, काफी लंबी वीडियो हो गई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। जय हिंद जय भारत।